हाय गाइस, अनवर दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी। और सैटरडे फन वीडियो में आज कमाक्षी खाएगी आपके वेजी बाजी का फेवरेट खाना। तो लेट्स बिगिन ब्रेकफास्ट में, देखते हैं क्या है। ये लीजिए कमाक्षी, आपका नाश्ता आज ब्रेकफास्ट इन बेड है। जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, संडे का दिन है, वैसे इसको बोलते हैं शकुतरी बोर्ड, पर इसको हम लोग एकदम देसी तरीके से बेड वाले टेबल पे करते हैं। लोग अमीर रेस्टोरेंटों में जा के ब्रेकफास्ट इन पूल करते हैं, हम संडे को देसी तरीके से ब्रेकफास्ट इन बेड करते हैं जी। अब ये वीडियो शूट हो रही है संडे को, आप ये वीडियो देख रहे हो सैटरडे को, वीकेंड का दिन है। आप भी साथ में वीडियो पॉज करो, कुछ बढ़िया खाने का ऑर्डर करो और फिर दिस इज माय डेली का फेवरेट ब्रेकफास्ट। देखो अभी पता चल जाएगा, ये वेजी बाजी स्टाइल ब्रेकफास्ट ना। इधर डाल दो इसको, चटनी नंबर वन। श्री रत्नम से मैं मंगवाता हूँ अपना खाना जो मुझे पसंद है खाना। चटनी नॉट आई डोंट इतना ज़्यादा लाइक। चटनी नंबर वन, टू एंड थ्री, बॉक्स नंबर वन। ये इधर और है, मैं तो या तो ये खाता हूँ नाश्ते में या वो खाता हूँ। इधर इडली और विच डोसा, मैसूर डोसा। हाँ, सुबह सुबह वो खुला नहीं होता ना आंध्रा, वो आनंद सागर खुला नहीं होता सुबह सुबह, तो इसका खा लेता हूँ। सुबह सुबह इतनी भूख लगी होती है ना कि मन भी नहीं करता बोलने का। मसाला सेपरेट, तो ऐसे ही। सो दिस इज प्योर वेजी बाजी स्टाइल नाश्ता। सब कुछ खाना पड़ेगा। मैं डालता हूँ अपने हिसाब से, ये डालता हूँ मैं चटनी इधर, व्हाइट वाली तो तुम खाते हो, और ये वाली भी। ये वाली इनकी थोड़ी मीठी चटनी होती है, धनिया पुदीने वाली वाइट चटनी। और साथ में अगर दोनों आते हैं तो एक इडली डालता हूँ मैं। डोसा चलो अपने हिसाब से डाल दो, उसकी लीनियंसी देता हूँ, एकदम क्रिस्पी कर दिया डोसा। मैसूर मसाला डोसा, वैसे मैं इसका 3 गुना खाता हूँ, बट ठीक है चलो, आई विल गिव यू सम बेनिफिट ऑफ डाउट। नहीं, ये इतना ही लंच है और इतना ही शायद, या इससे थोड़ा सा कम इवनिंग स्नैक्स है और डिनर सबसे कम है। दोस्तों जब मैंने ये चैलेंज करा था ना, मेरे को कमाक्षी ने डिनर में ऐसी चीज़ खिलाई थी, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मेरे कोकले लुस गए थे, भूख लग रही थी मुझे डिनर में। रात में ना मेरे को सपने में खाने के सपने आ रहे थे ऐसा। अब देखना वो वीडियो कैसा कराया था मेरे को, मैं नहीं करूँगा ऐसा। वैसे आपने सब खाई रखा है इसमें, मैसूर मसाला डोसा श्री रत्नम का और इडली। इडली नहीं, इडली वेजी बाजी स्टाइल। क्या करता हूँ मैं इडली का, हाँ चटनी के बिना ही ऐसे डिप करके रख दो बस। ये जब चेन्नई गया था तब से मैं सीख चुका हूँ और इसको डाल के रख देता हूँ। इडली चेक भी हो जाता है कि इडली बढ़िया कि नहीं बढ़िया, पता चल जाता अगली बार यहाँ से इडली खानी है। और सॉफ्ट सॉफ्ट अगर इडली होती है ना, ये सांभर ऐसे सोक कर लेती है। जब बहुत ही भूख लग रही होती है तो मैं डोसा मंगवाता हूँ, तो मैं वैसे मसाला सेपरेट लेता हूँ, बट मैं सुबह मसाला भी डालने देता हूँ, इतनी सुबह सुबह भूख लगती है। यस यस, ऑल द फ्लेवर्स, ओ वाओ। माशी आप भूल ही गए थे इसको, चलो मैं खा लेता हूँ। गरम गरम सांभर, ठंडी ठंडी सर्दियाँ और वीडियो लाइक करने का मज़ा। पॉज है अभी, आप वीडियो लाइक कर रहे हो अभी और अच्छा से कमेंट कर रहे हो, लव द वीडियो, ला 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 ला। अब रिज्यूम है और एक अब एक्चुअल वेजी बाजी स्टाइल बाइट। ऐसे तोड़ेंगे इसको, हाँ, और इसमें अब ये देखो, इधर आ जाओ अब आप, ये ऐसे और एक बारी में एक चटनी, चलो दूसरी थोड़ी सी डोल लेते हैं, और चटनी अच्छे से लगेगी नहीं। ये आनंद ही परमानंद है। शायद कमाक्षी खाए वेजी बाजी स्पेशल वो था। हाँ, पर मैं अभी तो पुष्टिकरण कर रहा हूँ कि ये मेरा फेवरेट खाना है कि नहीं है। इस फीलिंग को बोलते हैं क्लाउड 9। अच्छा, लंच का टाइम हो गया और ये जो पार्ट है ना, इसका वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि ना ये बाद में रियलाइज हुआ कि माइक बंद क्या, पता नहीं क्या कुछ तो इशू आया। एनीवे हम लोगों ने गुलाब से कुछ कुछ खाना खाना था, मतलब ये मेरा फेवरेट फूड गुलाब का ये वाला नहीं है, बट छोले कुलचे खाना मुझे बहुत पसंद है। तो गुलाब के ना
नॉन स्पेशल वाले छोले कुलचे आते हैं, पर ये मैंने स्पेशल वाले पता नहीं क्यों मंगवा लिए। उनके साथ चिप्स तो दे दिए, मैं देख के खुश हो गया, पर इन्होंने क्या किया कि छोले के क्या क्या करा था उन्होंने, रोल बना दिया था ना छोले के अंदर, डाल दिए कुलचे के अंदर, मटर डाल दिया कर दिया। वो फ्रेश खाने में मजा आता, पर ये गुलाब पे जाके खाते तो बहुत ही ऐसे अजीब सा हो गया। ये गुलाब से कभी भी कुछ भी खाना ऑर्डर करता हूँ तो मैं गोलगप्पे मंगवा ही लेता हूँ, बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाती है। अब चलो टेस्टिंग टाइम, अब मंगवाया टेस्ट करना, विच दिस इज एक्चुअल में गड़बड़ पार्ट ऑफ द वीडियो, दिस इज नॉट माई फेवरेट फूड, माई फेवरेट फूड इज नॉर्मल वाले छोले कुलचे। देखो दिस इज गड़बड़ पार्ट ऑफ द वीडियो में खाना भी गड़बड़, वॉइस भी गड़बड़, वीडियो को भी पता चल गया था, एडिटेड वीडियो को पता चल गया था गड़बड़ होनी है, इसलिए तो उसने प्रोडक्शन में भी गड़बड़ कर दिया था। अब द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस पार्ट इज कि मैंने गुलाब से गोलगप्पे मंगवाए थे जो एक्चुअल में बहुत टेस्टी थे, कड़क 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 गोलगप्पे, और क्या क्या तरीके से कनेक्शी क्या खोल दिया तुम, क्या मैंने खोला था। अच्छा जी, अच्छा ये हाँ मतलब वो वीडियो में गलती से हो गया था, वो एआई ने कमाक्षी को तन्मय बना दिया तुमने। सौ बातों की एक बात, गोलगप्पे खाने का कोई टाइम नहीं होता, लंच में खाओ, डिनर में खाओ, ब्रेकफास्ट में खाओ, गोलगप्पे खाओ और आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट डे। ये आ गया है मोमोज, मोमोज वाला पिज्जा, मोमोज वाला पिज्जा यार नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ये शुरू तो हुआ था मोमोज वाला पिज्जा, कोई गारंटी नहीं है। ये ब्रेड स्टिक्स मेरी फेवरेट है, आई लव ईटिंग ब्रेड स्टिक्स, पिज्जा हट की मेरी पर्सनल फेवरेट में से है। मुझे ना कुलचे जैसी लग रही है जो आया लंच में जो खाया था, पर्सनल फेवरेट में से है मेरी ये ब्रेड स्टिक्स पिज्जा की, बहुत इतनी टेस्टी होती है कि मैं इनको हर बार खाता हूँ, लव इट। मैं सार्कास्टिकली बोल रही हूँ, नहीं नहीं मेरी तुम, वरना मैं क्यों मंगवाऊंगा इस वीडियो में, मैं ब्रेड स्टिक्स क्यों मंगवाऊंगा अगर मुझे पसंद ही नहीं होता, मस्ती करने के लिए नहीं ना, ऐसे नहीं होता। ये पिज्जा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन ही हम लोग हैप्पी लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 तारीख को, इसी बात पे टमाटर का, तो हम लोग उसी की कुछ कुछ प्रिपरेशंस वगैरह कर रहे थे, इतने में भैया आ गए केटरिंग वाले, फिर उनसे बात कर रहे थे, तो हमारा इवनिंग स्नैक्स हाफ वे डिनर के टाइम पे ही आ गए, तो इसको हम लोग गर्म करते हैं पिज्जा को। बट उससे पहले आपको बता देता हूँ ये क्या चीज है मेरी फेवरेट, जब भी मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं ये पिज्जा हट का पिज्जा, पता नहीं इतना महंगा क्यों देते हैं, बट यही टेस्ट पसंद आता है। वैसे डोमिनोज और पिज्जा हट में आई एम अ डोमिनोज गाय, बट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पिज्जा आई एम अ पिज्जा हट गाय। बहुत सालों पहले इस पिज्जा पे होते थे कुछ कुछ कबाब के टुकड़े, और मैंने बड़ा शौक मनाया था जब वो डिसकंटिन्यू हो गए थे ट्रैवलिंग पाजी डेली व्लॉग्स में, तो इसके कबाब के टुकड़े बढ़िया से इसको गर्म कर देता हूँ, तब तक फिर आपको कहानी बताता हूँ। बैक टू दिस पिज्जा, 400 रुपए का पिज्जा देते हैं ये लोग, एक सिंपल सा, पर मेरे को ऐसा टेस्ट इसका चढ़ा हुआ था ना, वो बोलते हैं ना कि कस्टमर को एक बार बस अपने पास ले आओ। इनका कबाब पिज्ज़ा बंद हुआ, पर इनका वो बेस की तब तक मुझे आदत चढ़ चुकी थी, फिर मैं इनका कोई कंट्री वाला पिज़्ज़ा लेता हूँ, पता नहीं क्यों इतना महंगा पिज़्ज़ा लेता हूँ। और अब वो पहले डिस्काउंट देते थे, अब इन्होंने क्या कर दिया, डिस्काउंट ना देके फ्री डिश दे देते हैं, तो आपके पास होता है 150 रुपए की गार्लिक ब्रेड, आपको लगता है कि ये 350 का पिज्जा नहीं, अब ये 200 का पिज्जा, क्योंकि 150 रुपए की गार्लिक ब्रेड मिल गई, बट फ्री मिल रही थी, फ्री की चीज़ कोई भी भारतीय नागरिक नहीं छोड़ता, एंड मैं उनमें से एक हूँ। पिज्ज़ा हमारा अब एकदम पोला हो चुका है, पिज्ज़ा इज नाउ पोला, पोला स्टिल लुक्स नॉट सो पोला बट इट इज़ पोला, आप अगर मेरे बात पर यकीन करेंगे तो ये पिज़्ज़ा पोला है। अब ये क्योंकि कामाक्षी मेरा फेवरेट फूड खा रही है तो ये कामाक्षी पिज़्ज़ा खाएं, मैं उसको देखता हूँ बस, और मैं खाता हूँ अपनी फेवरेट वाली गार्लिक ब्रेड। नमक शमक नहीं, पिज़्ज़ा अच्छा था, पिज़्ज़ा में ये सब अटरम शटरम चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पिज़्ज़ा का बेस ना, इनका पीछे कोई वो आड़ा टेढ़ा सा वो बेस भी आया था, जब इन्होंने मोमो पिज़्ज़ा निकाला था ना, तो मोमो पिज़्ज़ा वाला चटनी टाइप का बेस इन्होंने सॉस में रखा था, अच्छा था वो, क्या बोले जा रहा हूँ, सॉस में बेस रखा था, बेस में सॉस रखी थी वो वाली, उल्टा बोल दिया। ओके लेट्स टेस्ट, यस खाइए। हाँ है, पोला पोला, पोला पोला है, देखने में पोला पोला लग नहीं रहा, पर एज बोथ ऑफ अस आर कंफर्मिंग ये एक्चुअल में पोला पोला है। एक्चुअली मैं भेज रहा हूँ, मतलब पोले पोले भेज ना, कभी कभी कच्चे कच्चे लगते हैं, इनका कच्चा नहीं लग रहा। ठीक है जी, चलो अब डिनर पे मिलते हैं हम, ठीक। ये वैसे नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग,
सुबह से कमाक्षी ने बोल रखा था यू हैव राजमा किसी भी टाइम दिन के, सो हाँ मतलब अगर सुबह से राजमा नहीं दिखा तो किसी टाइम तो होने हैं राजमा, तो तुम इवनिंग स्नैक्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मतलब मुझ जैसा बंदा ना, आई एम अ प्योर फूडी आई कैन से, क्यों मेरे पास कोई, मैं डोसा रात में खा सकता हूँ, गोलगप्पे सोते टाइम खा सकता हूँ, आई डोंट हैव कि ये ब्रेकफास्ट है ये डिनर, आई डोंट हैव ऐसी डिमार्केशंस दिमाग में है ही नहीं। अब इसके अंदर गेस करो क्या होगा। अच्छा पराठा नहीं, मिस्सी रोटी। ओके और दूसरे में क्या होगा? मिर्च पराठा। ना एक में मिस्सी रोटी है। इस बार तो अगर ये तुमने गेस कर लिया ना तो मैं तुम्हें 10,000 सालों तक खाना मतलब बाहर से लेके दूंगा। नहीं नहीं कॉफी बना के मिलाऊंगा। कॉफी बना के नहीं, 10,000 साल नहीं, फिर आधा महीना 15 दिन तक कॉफी बनाऊंगा। क्या है 15 दिन में से 3 दिन एक शूट, 10 दिन एक हफ्ता एक शूट के चले गए 8 दिन, ये तो चीटिंग है। वो तो 15 डेज एंड यू आर हियर। ठीक है 15 दिन जब दिल्ली में घर पे होंगे तब का। ठीक है जब दोनों घर में होंगे। ठीक है अब सिर्फ 5 सेकंड और 3 गैसेस है। 5 नहीं नहीं टाइम मत दो। अच्छा 3 गैसेस है ना। 3 नान 2 हाथ नहीं लगाना। नहीं करे नान नहीं तंदूरी रोटी 1 नहीं दो लास्ट गेस नान भी नहीं है तंदूरी रोटी भी नहीं है। लच्छा पराठा तो हो गया एक, वो नहीं है मिस्सी रोटी एक हो गई। चल 1 साल तक कॉफी बनाऊंगा। मक्की की रोटी नहीं। ठीक है हो गया अब गैसेस खत्म। ठीक है चलो मैं जीत गया। अब रुक जाओ मैं देख खाता हूँ। पापड़ ओ पापड़ पहले टच कर लेती ना। पापड़ की कहानी क्या है? पापड़ तो यूं लिज्जत पापड़ नहीं, वो ऑर्डर वैल्यू कंप्लीट करने के लिए डालता हूँ ना। ओ अच्छा 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 मैं प्याज चटनी डालती हूँ एक्स्ट्रा प्याज एक्स्ट्रा चटनी। अपनी रसोई से नहीं आता? अच्छा अपनी रसोई में 20 रुपए के 2 पापड़ डालो तो 100-150 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अपनी रसोई में ज्यादा कभी फीका लगता है ना तो इसमें चटनी डाल देता हूँ स्पाइसी हो जाती है। ये अपनी रसोई के राजमा इस पापा के पर्सनल फेवरेट। मैं एवर बेक के खाता था। फिर एवर बेक ना घर के पास शालीमार बाग एक जगह है जो दिल्ली से नहीं देख रहे वहाँ पे है। 40-50 मिनट लगाते हैं आने में, तब तक भूख मिट जाती है। इसकी पहली बाइट तुम ले लो। इसकी पहली बाइट मैं ले लूं? इस मील की तुम। लास्ट मील ऑफ दिस वीडियो है, लास्ट मील ऑफ द डे है, लास्ट मील ऑफ संडे है। हाँ बहुत बहुत ज़्यादा लास्ट मील हो। चलो माइक चल रहे हैं। बड़ा चेक वेक करना पड़ता है। स्नैक्स था या क्या था? लंच। लंच पूरा लंच शूट कर लिया वो फिर ना फ्लो खत्म हो जाता है, फिर कैंडिड नहीं रहता। ये हम लोग कुछ भी ऐसे ना इसमें जो भी हंसी मजाक होता है ये सब अनस्क्रिप्टेड होता है, इसलिए फिर वॉइस ओवर पार्ट आता रहा। मिस्सी रोटी बहुत सुंदर दिख रही है। हाँ इनकी मिस्सी रोटी बहुत अच्छी होती है, यम्मी। या तो मेरे को आदत हो गई है या क्या है, इनके राजमा मुझे एवर बेक की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं लगती। पिज़्ज़ा पास्ता मैं कॉलेज में इतना खाता था पर अब बहुत मतलब मैं सोचूं लास्ट मैंने पास्ता कब खाया मुझे नहीं याद। तो अब नॉर्थ इंडियन की तरफ ज़्यादा रुझान है। और इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगले सैटरडे फन वीडियो में कौन सी वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में बताइएगा। अब ऐसा है ये फेवरेट फूड वाली वीडियो बना रहे हैं, नहीं भी अच्छा लगेगा तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं अच्छा अच्छा।